तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल तुम सब की। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे। तो तुम सबका फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और बहुत ही बेहतरीन मोड वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में तुम लोग लेके आ चुका हूँ वेपन पेडेस्टियल्स एड ऑन लिटरली गाइस। और हाँ, इस वाले एड ऑन को अगर देसी भाषा में बोलो तो एक ऐसा एड ऑन जिसकी मदद से तुम लोग यहाँ पर अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में अपने वेपन्स को एक बहुत ही अच्छा शो ऑफ कर सकते हो गाइस। तो अगर तुम लोग जानना है कि तुम लोग यहाँ पर इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो और भी किस किस तरह का फीचर्स तुम लोग देखने को मिलता है इस वाले एड ऑन में, तो ये सब जानने के लिए सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इस वाले ऑसम मोड का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंपली तुम लोग वहाँ पे जाना, उस वाले मोड को डाउनलोड करके अपने माइनक्राफ्ट में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना। इसके बाद जब भी तुम लोग यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट करोगे तो सिंपली उस वाले मोड को एक्टिवेट कर लेना है तुम लोग को। और सिंपली जो तुम्हारा वर्ल्ड गाइस उसे तुम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। इसके बाद जैसे तुम्हारे यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट होगा और तुम लोग यहाँ पे अपना जो क्रिएटिव इन्वेंटरी है उसे ओपन करके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तुम लोग यहाँ पे इस वाले मोड की मदद से तीन टाइप का वेपन पेडेस्टल्स देखने को मिलने वाला है, तीन टाइप का। और हाँ, तुम लोग यहाँ पे उन तीनों वेपन पेडेस्टल्स को अपने सर्वाइवल वाले वर्ल्ड में काफी ज्यादा इजीली क्राफ्ट भी कर सकते हो। उनका क्राफ्टिंग रेसिपी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो गाइस। तो तुम लोग आप देख सकते हो कि तुम लोग यहाँ पे तीन तरह का वेपन पेडेस्टल्स देखने को मिलने वाला है जिसकी मदद से तुम लोग यहाँ पे अपने वेपन्स को एक बहुत मतलब बहुत अच्छे वे में तुम लोग यहाँ पे शो ऑफ कर पाओगे गाइस। तो मैं यहाँ पे तुम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में तो बारी बारी इन तीनों वेपन पेडेस्टल्स को दिखा देता हूँ किस तरह के दिखता है। तो जो हमारा सबसे पहला पेडेस्टल वो हमारे यहाँ पे ये स्टोन पे डिस्टेल है तुम लोग आप देख सकते हो, और इसका लुक कुछ इस तरह देखने में है। और इसी के ऊपर जो तुम्हारा वेपन है वो तुम्हारे यहाँ पे आने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे तीन चार जो स्टोन से था मैं उससे सबसे पहले स्पॉन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं तुम लोग यहाँ पे इनके ऊपर वेपन कैसे रखना वो मैं तुम लोग बता देता हूँ। तो सिंपली तुम लोग यहाँ पे जो सा वेपन रखना चाहे तुम्हारा स्वॉर्ड हो गया, एक्स हो गया, पिकैक्स हो गया, सिंपली उसे अपने हाथ में लो और उसके क्लोज जाके सिंपली स्क्रीन पर होल्ड करके रखो गाइज। और हाँ, तुम लोग यहाँ पे अगर क्राउच करके होल्ड करोगे तो ये जो मतलब ये जो मोड है ये काम नहीं करेगा। तुम लोग यहाँ पे बिना क्राउच किए जाके उसके क्लोजली होल्ड करना, तभी जाके ये जो वेपन है ये इस तरह से मतलब होगा। तुम लोग आप देख सकते हो गाइस, ये जो स्टोन पे डिस्टल ये दिखने में कितना ज्यादा कूल और कितना ज्यादा रियल लग रहा है तुम लोग आप देख सकते हो। और तुम लोग आप सोच सकते हो कि इस इन सारे पे डिस्टल्स की मदद से तुम लोग यहाँ पे अपना वर्ल्ड को और भी ज्यादा मतलब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो गाइस। और जो भी तुम्हारा वेपन है सारे सारे वेपन को तुम लोग यहाँ पे काफी अच्छा से तुम लोग यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हो। और हाँ, मैं तुम लोग को एक और खास बात बता देता हूँ इन सारे पे डिस्टल का, कि ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डायमंड का स्वॉर्ड है जिसका ड्यूरेबिलिटी अभी हाफ हो गया है, लेकिन जैसे तुम लोग यहाँ पे किसी भी पेडिस्टल के ऊपर अपना जो स्वॉर्ड है उसे रख दोगे तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी रीसेट हो जाएगा गाइस। और वो स्वॉर्ड जैसा नया में था वैसा ही उसका डैमेज और वैसा ही उसका ड्यूरेबिलिटी हो जाने वाला है गाइस। तो गाइस, जो हमारा अगला पेडिस्टल उसका नाम ओक वॉल पेडिस्टल है, और तुम लोग यहाँ पे नाम से ही पता लगा सकते हो कि किस तरह का होने वाला है। तो हाँ, ये जो पेडिस्टल ये वॉल पे लगता है, और तुम लोग यहाँ पे अपने घर में या तुम लोग यहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहाँ पे तुम लोग यहाँ पे इस पेडिस्टल को काफी ज्यादा इजिली यूज कर पाओगे और अपने वेपन्स को शो ऑफ कर पाओगे। तुम लोग आप देख सकते हो ये जो ओक वॉल पेडेस्टल ये दिखने में कुछ इस तरह लगता है और ये ब्लॉक का ऊपर लग जाता है गाइज। और इस पर वेपन टांगने का वही तरीका है, सिंपली इसके क्लोज आना तुम लोग को और वेपन को अपने हाथ में लेके स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है। और तुम लोग आप देख ही सकते हो गाइज कि तुम्हारा मतलब जो घर के अंदर स्वॉर्ड और आयरन पिकैक्स इस तरह का मतलब जो वेपन तुम्हारे घर के अंदर लटका हुआ लगेगा, तो तुम लोग आप सोच सकते हो कितना ज्यादा मजा आने वाला है गाइज और कितना ज्यादा रियलिस्टिक तुम लोग फील मिलने वाला है गाइज इस मोड की मदद से तुम लोग देख सकते हो गाइज। और हाँ, ये जो ओक वॉल पेडेस्टल ये किसी भी टाइप का वॉल पे तुम्हारा तुम लोग यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तुम्हारा जरूरी नहीं कि वो जो वॉल है वो तुम्हारे यहाँ पे वुड का ही होना चाहिए, किसी भी टाइप के वॉल में तुम लोग यहाँ पे इस वाले पेडेस्टल को तुम लोग यहाँ पे किसी वॉल में काफी ज्यादा इजिली हैंग कर पाओगे गाइज। तो गाइज, बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वार्ट पिलर की ओर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट तुम लोग यहाँ पे कह सकते हो पेडेस्टल है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे खुद ही देखना हो। तब जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर वेपन डालूंगा ना, तुम लोग खुद समझ में आ जाएगा। एक तो तुम लोग यहाँ पे इसका लुक देखो, दिखने में कितना ज्यादा कूल लग रहा है। उसके बाद गाइस, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस वाला डायमंड स्वॉर्ड को इसके अंदर रखा है, देखने में क्या ही लग रहा है। तुम लोग आप देख सकते हो इसी तरह से तुम लोग यहाँ पे जितना टाइप का वेपन है सारे वेपन को तुम लोग यहाँ पे किसी भी पेडेस्टल में काफी ज्यादा इजीली रख सकते हो। सिंपली तुम लोग इसके क्लोज जाना है और वेपन को हाथ में लेके स्क्रीन पे होल्ड करके रखना है। तो चलो, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे इन सारे पेडेस्टल का क्राफ्टिंग रेसिपी बता देता हूँ। क्राफ्ट करने के लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पे जो नॉर्मल तुम्हारा क्राफ्टिंग टेबल होता है सिंपली उसी का जरूरत तुम लोग यहाँ पे पड़ने वाला है। और तीनों का तीनों
दोनों पे डिजिटल को तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजिली अपने सर्वाइवल वाले वर्ल्ड में और फिर नॉर्मल मतलब तुम लोग यहाँ पे ज़्यादा मतलब हैवी भी आइटम्स भी नहीं लगने वाले, जो तुम्हारा नॉर्मल आइटम होता है उसकी मदद से तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजिली इसे क्राफ्ट कर सकते हो। तुम लोग आप देख सकते हो कि जो स्टोन पे डिजिटल इसे क्राफ्ट करने के लिए सिंपली तुम लोग आप सिर्फ 3 स्टोन और एक आइटम फ्रेम का जरूरत पड़ने वाला है। उसके बाद ये जो क्वार्ट पिलर है इसके लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पे 2 क्वार्ट्स का ब्लॉक और एक आइटम फ्रेम का जरूरत पड़ेगा। और इसका जो हमारा लास्ट वाला है ओक वाला मतलब ओक और जो पेडिस्टल इसके लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ओक लॉग और एक आइटम फ्रेम का जरूरत पड़ने वाला है। तो कुछ इसी तरह से तुम लोग यहाँ पे इन सारे पेडिस्टल्स को अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सर्वाइवल वर्ल्ड में काफ़ी इजीली तुम लोग यहाँ पे क्राफ्ट कर सकते हो गाइज। और जैसा कि मैंने तुम लोग बताया कि जो एड ऑन है इसका डाउनलोड तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली तुम लोग पे जाओ इस ऑसम मोड को डाउनलोड करो और मजे करो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है तुम लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लेकर लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।